दोस्तों, नेट तो आप सभी चलाते होंगे, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट तो आज के टाइम पे हर इंसान चलाता ही है, मैं मानता हूं ये बात। तो अगर आप इंटरनेट चलाते हो, और क्या हो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो इंटरनेट अब आप यूज करते हो वो असल में इंटरनेट का 10% भी नहीं है, तो भैया जी आप जरूर कहोगे क्या मजाक कर रहा हूं मैं। तो नहीं भैया, आज की वीडियो हमारी इसी बारे में है। तो भैया जी, चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं आपका चैनल का होस्ट और आप लोगों का दोस्त जडोपी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नेट आप यूज करते हो, जो इंटरनेट आप यूज करते हो, वो असल में इंटरनेट का इतनू सा पार्ट है। जो रिमेनिंग पार्ट है भैया जी, वो है हमारा डार्क वेब। तो अब ये डार्क वेब नाम की चीज क्या होती है? वेब तो इसके अंदर आ गया, डार्क का मतलब क्या है बेसिकली आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। तो भैया जी, ये जो डार्क वेब है, ये डार्क वेब भी एक्चुअली एक इंटरनेट ही है, मगर ये बनाया गया था अमेरिकन की सीक्रेट्स एजेंसीज के थ्रू। इनके थ्रू ये बनाया गया था एक वेब का सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन जिसके अंदर कोई और बंदा ऑपरेट नहीं कर सकता है। ये बेसिकली सिर्फ आर्मी के लिए या फिर जो काफी टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल तुम्हारी फाइल्स होती हैं उन चीज के लिए इस चीज को बनाया गया था। मगर टाइम के साथ साथ देखो, हर चीज में आजकल घपलेबाजी है, तो इसके बीच में भी कुछ परसेंट घपलेबाजी हुई जिसके कारण काफी ज्यादा लोगों के पास डार्क वेब का एक्सेस आ गया। वो इसको गलत तरीके से यूज करने लग गए। बट अभी हम बात करेंगे भैया जी, डार्क वेब है क्या, कब बना, क्यों बना, और आज के टाइम पे डार्क वेब पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो गाइस, डार्क वेब मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूं डार्क वेब क्या है। डार्क वेब भी एक वेब का ही पार्ट है, मगर वो वेब ऐसा एक सीक्रेट वेब है जिसको आप बेसिकली अपने क्रोम ब्राउजर में से नहीं खोल सकते हो। उसको भी खोलने के लिए स्पेसिफिक आपको ब्राउजर चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं टॉर ब्राउजर, TOR, टॉर ब्राउजर। बाय द वे, ये वीडियो जो हमारी है ये बिल्कुल इंफॉर्मेशनल चीज के लिए बनाई जा रही है। मैं बिल्कुल किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता हूं कि आप डार्क वेब यूज करो, और आप लोगों को यूज करना भी नहीं चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को मॉनिटर करती है। और डार्क वेब पे ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनका आप पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है भैया, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो इस चीज को सुनो, समझो, मगर कोशिश मत करना। बाकी देखो, अगर सेफ साइड पे चलना चाहते हो भाई, मगर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग खोलो। तो भाई, डार्क वेब एक सीक्रेट साइड है हमारे इंटरनेट की, जिसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें चलती हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते। लाइक डार्क वेब के ऊपर आप लाइव मर्डर्स करवा सकते हो, आप किसी की सुपारी दे सकते हो। भैया जी, हेलो मुन्ना भैया, हमको किसी बंदे को मरवाना, 10,000 रुपये लगेगा, रोकड़ा देंगे भाई, बंदा मार दोगे तो मुन्ना भैया जी जाके किसी को लुड़का देंगे। ऐसी कुछ सर्विसेज दी जाती है डार्क वेब के ऊपर, और भी एक्चुअली काफी सारी चीजें, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, समथिंग लाइक, ऐसी बहुत सी चीजें हैं डार्क वेब पे जो नहीं होनी चाहिए मगर है, एग्जिस्ट करती हैं। और मैं सच्ची बता रहा हूँ गाइस, आप लोग को एक्सप्लोर बिल्कुल नहीं करना है वहां से। इवन आप लोग को पता नहीं है, गन भी खरीद सकता है इंसान अगर डार्क वेब से खरीदना चाहे। मगर इसका गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये जो भी ट्रांजेक्शन अपनी करते हैं ना, जो हम उनको पैसे भेजते हैं या फिर वो जो पैसे रिसीव करते हैं, सब बिटकॉइन के अंडर करते हैं। और बिटकॉइन को, जैसे आप लोग जानते हो कि बिटकॉइन का गवर्नमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल इसको गवर्नमेंट इसको मॉनिटर अभी स्टार्ट करने वाली है, बट अभी तक मॉनिटर नहीं करती है। तो बिटकॉइन में हम किसको पैसे भेज रहे हैं, किसको जा रहे हैं, किसी को नहीं पता लगता है। तो भाई प्लीज, इन चीजों से दूर रहो। मैंने जैसे बनाई तुम लोग को बताने के लिए कि भैया ऐसी भी एक चीज होती है, क्योंकि पता होना जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। तो ऐसा भी एक नेट का पार्ट है जो हम लोगों से छुपा हुआ है, जहां पे बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज की जाती हैं, और जिसको बोलते हैं हम डार्क वेब। तो गाइज, मैं होप करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना, और चैनल में नया तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस के साथ आपका भाई आपको मिलता रहेगा रोज। तो भैया जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल पब्लिक।